सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री श्याम। आप सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम सब जानते हैं राधा अष्टमी का व्रत कब करना है, किस तरह से रखना है, दोपहर तक रखना है या पूरा दिन रखना है, और शुभ मुहूर्त है वो कब पड़ता है। सबसे सरल विधि में हम जानेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। राधे राधे। राधा अष्टमी व्रत का जो प्रारंभ है वो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को होता है। तो यह तिथि पड़ रही है 10 सितंबर 2024 रात्रि 11:11 पर, और 11 सितंबर 2024 रात्रि 11:46 पर समापन होगा। सूर्य उदयकालीन जो तिथि होती है उसी से हम इस व्रत का प्रारंभ करती है। तो यह तिथि पड़ रही है 11 सितंबर को, तो 11 सितंबर को राधा अष्टमी व्रत रखा जाएगा। और यह व्रत किस तरह से रखना है, यह व्रत सुबह सुबह हम उठेंगे, जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, स्नान आदि करेंगे अन्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर, फिर उसके बाद हम हैं जो मंदिर की साफ सफाई करेंगे, राधा और कृष्ण को पंचमृत स्नान कराएंगे। अगर आपके पास राधा रानी है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं है तो आप कान्हा जी को राधा रानी का स्वरूप है जो बना सकती हो पंचमृत स्नान करा के। इस तरह से आपको कहना है। आप राधा रानी की जो पूजा है वो मंदिर में भी कर सकते हो, और अलग से आप चौकी भी है जो लगा सकते हो, इस तरह से आप कर सकते हो। फिर आपको है जो राधा रानी के लिए भोग प्रसाद तैयार करना है। हमारे लाडो रानी को अरबी की सब्जी बहुत पसंद होती है, तो आप अरबी की सब्जी, कढ़ी, चावल, खीर, पूड़ी इस तरह से आप बना सकते हो। फल फ्रूट जो मिठाई है आप राधा रानी के लिए भोग प्रसाद के लिए तैयार कर सकती हो। फिर आपको क्या करना है, एक कलश है जो वो आपको तैयार करना है, आपको रखना है, और फिर आपको पूजा करनी है। देखिए राधा रानी की जो पूजा है दोपहर में ही की जाती है, क्योंकि जो राधा रानी का जो प्राकट्य हुआ था वो दोपहर में ही हुआ था 12 बजे, तो इसलिए माना जाता है कि राधा रानी की जो पूजा है वो दोपहर में करती है। तो इसलिए आप है जो राधा रानी की पूजा करिएगा। राधा रानी की पूजा करते टाइम आपको राधा रानी की जो कथा है वो सुनना है, आपको राधा रानी के जो 28 नाम हैं उनका जाप करना है, श्री राधा कृपा कटाक्ष स्त्रोत है वो पढ़ना है। एक बार तो जरूर पढ़िएगा आप, बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही लाभकारी होता है यह राधा रानी के व्रत के लिए। जो हमारी लाडो रानी है, राधा रानी है, वो अपने भक्तों पर खूब कृपा बरसाती है, तो पूरे भाव से श्रद्धा से आपको ये व्रत रखना है। और आपको व्रत कब तक रखना है ये ज़्यादा है जो पूछ रहे हैं कि दोपहर तक रखना है या पूरा दिन रखना है। देखिए जो राधा रानी का व्रत है उसको कई तरीके से है जो लोग रख रहे हैं, एक तो एक दिन पहले ही रख लेते हैं, या तो उनके संप्रदाय से रिलेटेड है इसलिए जैसे 10 तारीख को रख लेंगे, अगले दिन सुबह पूजा पाठ करके फिर व्रत खोल लेते हैं। और एक है जो आप सुबह रखेंगे, जैसे 11 तारीख को आपने सुबह सुबह व्रत रखा और दोपहर में आप पूजा पाठ करवा के फिर प्रसाद आदि ग्रहण कर लेते हैं, एक इस तरह से रख रहे हैं। और एक इस तरह से रख रहे हैं जिस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाता है पूरा दिन, उसी तरह ही राधा अष्टमी का व्रत भी रखा जाता है। यानी कि सुबह उठेंगे, पूजा पाठ करेंगे, दोपहर में पूजा पाठ करेंगे, और फिर आपको शाम तक है जो व्रत रखना है, शाम को चंद्रमा को जल देकर फिर व्रत को आपको खोलना है। इस दौरान आप क्या कर सकते हो, दिन में दोपहर में फल आप ग्रहण कर सकते हो, जल ग्रहण कर सकते हो। एक इस तरह से रखा जाता है, हम इसी तरह से है जो व्रत रखती है हमारी प्यारी सी लाडो रानी का। तो आप इनमें से, आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह से रखना चाहो तो आप रख लीजिएगा। और जो शुभ मुहूर्त पड़ता है यह पड़ रहा है सुबह 11:03 से दोपहर 1:32 तक। आप यह व्रत, इस व्रत की जो पूजा पाठ है आप शुभ मुहूर्त में ही करना, बहुत ही फलदायक होता है। हमारे लाडो रानी सब पर अपनी कृपा बरसाए। जय श्री राधा रानी की। राधे राधे। पूरा दिन हमें है जो राधा रानी के नाम में मगन रहना है, राधा रानी के जो पाठ है, मंत्र है, उनका उच्चारण करना है। तो राधे राधे सभी को।